Hello dear student and welcome to the video on concept of EMF and magnetic circuit parameters. I am Chaitna Dolce, lecturer of NIT Polytechnic, Nagpur. Today I am going to teach unit number 1 that is concept of EMF and magnetic circuit parameter. It is the subtopic of electric and magnetic circuit that is the unit number 1. First of all, we discuss summary of previous video. <coughs> we learn basic knowledge of electrical parameters like definitions of current, voltage, resistance, inductor, capacitor, power, energy and work, etc. Also learn its symbol and unit. Second one is identify the various types of electric circuit parameters. discussed previous video. Mein इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरामीटर्स पढ़े थे उसके डेफिनेशंस, सिंबल्स, यूनिट एंड फार्मूले भी पढ़े थे एंड ये वीडियो में हमें कंसेप्ट ऑफ ई पढ़ना है एंड पैरामीटर्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ये पढ़ना है सो नेक्स्ट स्लाइड लर्निंग आउटकम्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो

रिलेक्टेंस ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है कंसेप्ट ऑफ ई एम एफ इज मीन बाय ई एम एफ क्या होता है इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो हमने यहाँ पर लिखा है ई एम एफ ई एम एफ इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड प्रेशर दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ई एम एफ इट इज अ ड्राइविंग ऑफ ई एम एफ इज वोल्ट ई एम एफ क्या होता है इट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर करंट जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जो करंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहां पर आप ये डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या क्या कनेक्टेड किया है वोल्टेज सोर्स एंड मेटल प्लेट ये जो मेटल प्लेट है वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में हमने कनेक्टेड किया है अक्रॉस में कनेक्टेड किया है यानी पैरेलल में कनेक्टेड किया है ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके जगह हम बैटरी भी यूज कर सकते हैं मतलब ये हमारे हम यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड करेंगे ऐसा सोर्स जिसे हम रिमूव भी कर सकते हैं एंड लगा भी सकते हैं तो यहाँ पर हम आ, क्या लिखा है ये पढ़ते हैं ई एम एफ इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑल द मेटल कंटेनर लार्ज नंबर ऑफ Free electrons which move randomly in all directions inside the metal piece if no external source is connected. ये डायग्राम में आपने वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड किया है अगर ये वोल्टेज सोर्स अगर ये यहाँ पर हम जो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं या बैटरी कनेक्टेड कर रहे हैं इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये जो रेड कलर के एरोज दिख रहे हैं, ये, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारा करंट है तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं होंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली फ्लो फ्लो होंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है ई फॉर बैटरी और वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल पीस आई शोन इन फिगर देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स दिस हैपेन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स और प्रेशर बाय द एक्सटर्नल बैटरी कंसेप्ट ऑफ ई एम एफ कंसेप्ट ऑफ ई एम एफ यानी क्या यहाँ पर जो हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड किया है उसके पैरल में एक मेटल प्लेट कनेक्टेड की है अगर वोल्टेज सोर्स हम कनेक्टेड करते हैं वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे या फिर ये जो करंट है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर यही वोल्टेज सोर्स या फिर बैटरी हम रिमूव कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट रैंडमली फ्लो होंगे रैंडमली फ़्लो होंगे यानी उसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं रहेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव फ़्लो होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो हो रहे हैं पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड तक या फिर नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड तक जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको जो फ्लो होने के लिए फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ और ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट क्लियर है नेक्स्ट मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट इज द डिफाइन एज द क्लोज पाथ फॉलो बाय अ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट इज द फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की क्लोज पाथ होती है वैसे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की क्लोज पाथ होता है जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्सेस फ्लो होते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटीज़ असोसिएटेड विथ मैग्नेटिक सर्किट आर एमएमएफ फ्लक्स रिलेक्टेंस परमेंस एंड परमेबिलिटी एक्सेट्रा जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरामीटर्स कौन से थे करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर ये सारे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे ये इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरामीटर थे अभी मैग्नेटिक सर्किट के पैरामीटर्स कौन से हैं? एम एम एफ फ्लक्स रिलेक्टेंस परमेंस एंड परमेबिलिटी ये सारे मैग्नेटिक सर्किट के पैरामीटर्स हैं और उसी के डेफिनेशंस, उसके सिंबल्स, उसके फॉर्मूले उसके यूनिट हमें ये वीडियो में पढ़ना है मैग्नेटिक सर्किट की डायग्राम यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रही है ये दोनों डायग्राम को हम पैरल में पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे दोनों डायग्राम में कुछ भी फर्क नहीं है लेकिन आपको ये जो फर्स्ट डायग्राम दिख रही है ये एग्जाम में बनाने के लिए इजी जाएंगे ठीक है द सिंपल सर मैग्नेटिक सर्किट आर शोन इन फिगर इन फिगर कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मीन लेंथ ऑफ अ कोर इज एल मीटर A coil with n number of turns is wound on अ iron core. ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं आयरन कोर ये आयरन कोर मटेरियल से बना हुआ रहता है यहाँ पर आपको दो वाइंडिंग्स दिख रही है दोनों साइड में तो जैसे प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग कनेक्टेड होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग अब प्राइमरी वाइंडिंग किसे बोलते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग किसे बोलते हैं ये डायग्राम में देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड किया है पोलैरिटी दिख रही है पॉजिटिव एंड निगेटिव प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था उसको भी पोलरिटी थी पॉजिटिव एंड निगेटिव यहाँ पर भी दिख रही है मतलब जो हम वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड करते हैं जिस वाइंडिंग को कनेक्टेड करते हैं जिस साइड को कनेक्टेड करते हैं वो होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग एंड जिस साइड से हम आउटपुट लेते हैं यानी सेकेंडरी साइड उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग और जो हम आउटपुट लेते हैं वो लेते हैं सेकेंडरी साइड से यहाँ पर लिखा है इन फिगर कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मीन लेंथ ऑफ कोर इज एल मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ये कोर की वर्थ ये जो विड दिख रही है आपको ये होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए ये सेकंड डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है डॉटेड लाइन से हमने डिनोट किया है यहाँ पर ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मीन लेंथ ऑफ कोर मीन लेंथ यानी इसका ये जो लाइन का डिस्टेंस यानी क्या होता है मीन कोर लेंथ मेंशन है यहां पर अ कॉइल विद एन नंबर ऑफ टर्न्स इज वाउंड ऑन अ कोर आयरन कोर नंबर ऑफ टर्न्स यानी ये जो वाइंडिंग है ये दिख रहा है आपको टर्न्स wow. इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स यानी वो कॉइल के होते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल इज आई एम्पियर ड्यू टू दिस करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द कोर दिस फ्लक्स कंप्लीट्स इट्स पाथ थ्रू द शोन इन फिगर यहाँ पर देखिए प्राइमरी वाइंडिंग जो हमने वोल्टेज सप्लाई दिया है उसमें एक करंट का भी एरो शो हो रहा है मतलब जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होता है जब ये करंट आई करंट ये वाइंडिंग से फ्लो होगा यहाँ पर मेंशन दिख रहा है ये आई करंट वाइंडिंग से फ्लो होगा आई एम्पियर एम्पियर ये करंट का यूनिट है इसलिए यहाँ पर बोला है कि आई एम्पियर ड्यू टू धिस करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉल और मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द कोर जब ये आय करंट ये कॉयल से फ्लो होंगे यानि ये कॉयल को कट करेंगे तब यहाँ पर क्या होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है कोर में जो डॉटेड लाइन दिख रही है यही क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन उसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स नेक्स्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ एमएमएफ एम एम एफ एम एम एफ इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोटिव फोर्स एम एम एफ क्या होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स It is defined as the force responsible for the flow of flux or generation of flux. It is called as MMF. MMF denoted by F. Unit of MMF is Ampere Turns. And formula of MMF is MMF is equal to N into I. N into I. And N yani kya hota hai? number of turns of the magnetic coil. एंड क्या होता है करंट थ्रू द कॉइल अभी यहां पर देखिए करंट का यूनिट हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में एम्पियर एंड नंबर ऑफ ऑफ टर्न्स द कॉइल इसका यूनिट क्या होता है टर्न्स तो करंट का यूनिट एम्पियर एंड एन का यूनिट टर्न्स यानी एमएमएफ का यूनिट क्या बन गया एम्पियर टर्न क्लियर है थैंक यू टू बी कंटिन्यू ये जो वीडियो है हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में